नमस्कार, आज आप लोगों के साथ एक पौराणिक कथा शेयर करने जा रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो हम सभी लोग करते हैं, परंतु इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, किसने की और इससे जुड़ी घटना, कहानी, जो भी इतिहास पौराणिक है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र दीर्घायु और स्वास्थ्य का मंत्र कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी के अनन्य भक्त ऋषि मुकुंडू के कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मुकुंडू की मृकंडू की इच्छानुसार उन्हें संतान रूप में पुत्र का वरदान तो दिया, किंतु संतान अल्पायु होगी, ऋषि को यह भी चेताया। कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडू के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने बताया कि जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। ऋषि मृकंडू यह जानते थे कि उनकी संतान को अल्पायु होना है, लेकिन यह सुनते ही वे विषाद से घिर गए। संतान जन्म के बावजूद उन्हें विषाद ने देख उनकी पत्नी ने जब उनसे इसके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात कह सुनाई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। जब थोड़ा बड़े हुए तब उनकी अल्पायु को लेकर चिंतित माता ने यह बात उनसे कह सुनाई और कहा कि वह शिव भक्ति से ही इसे टालने का प्रयास करें, शिव जी चाहेंगे तो जरूर यह वरदान देंगे। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं सदाशिव से देव से दीर्घायु होने का वरदान भी प्राप्त करेंगे जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। आयु के वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय जी ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयेमामृता की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। जब समय पूरा हुआ तो यमराज के भेजे दूत मार्कंडेय को छूने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह महाकाल की आराधना में आंख मूंद कर लीन थे। उनका अखंड जाप कहीं रुकने को नहीं आ रहा था। अंततः यमदूत वापस चले गए और यमराज से सारा वृत्तांत सुनाया। तब स्वयं यमराज को मार्कंडेय जी के प्राण लेने उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने अपना यश पास जब मार्कंडेय पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पास गलती से शिवलिंग पर भी गिरा। यमराज की इस आक्रामकता से शिव जी को क्रोधित हो गए और अपने भक्त बालक को यूं यमराज के हाथों जाता देख प्रकट होने को विवश हुए। प्रकट हुए शिव जी को क्रोधित देखकर यमराज ने हाथ जोड़कर विधि के लिखे विधान की याद दिलाई तो शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। तब यमराज ने बालक मार्कंडेय के प्राण छोड़ दिए और हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले जीव को पीड़ा नहीं दूंगा। आगे चलकर बालक मार्कंडेय महान ऋषि के रूप में विख्यात हुए और मार्कंडेय पुराण की रचना की। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कारण ही रावण ने भी अपने 9 सिर शिव पूजा में काटकर अर्पित किए थे। इस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और आज हम सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को टाल देने का साहस रखती है। इस तरह से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।